सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिटीज कार, जहाँ कार शॉप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ह्यूंडई की न्यू i20 के बारे में। हम पेट्रोल में इसका बेस मॉडल मैं लेके आया हूँ। आज जानेंगे इसी के बारे में कि बेस मॉडल में हमें क्या क्या स्पेसिफिक वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिलती हैं बेस वेरियंट के मुकाबले। तो आज जानेंगे इसी के बारे में, ह्यूंडई की न्यू i20 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंजन के बारे में। जो इंजन दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 1197 cc का इंजन दिया गया है। 1.2 पेट्रोल इंजन दिया गया है, 4 सिलेंडर 4 वाल्व में। अब बात करें यहाँ पे पावर की, तो पावर जो दी गई है वो ये दी गई है यहाँ पे 81.86 bhp की पावर दी गई है, और 6000 का यहाँ पे RPM दिया गया है। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क यहाँ पे जो दी गई है वो यहाँ पे दी गई है 114.74 Nm की टॉर्क दी गई है। 4200 का यहाँ पे RPM दिया गया है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन यहाँ पे मैनुअल दिया गया है 5 स्पीड गियर में। माइलेज की अगर बात करें तो 20.35 किलोमीटर की माइलेज निकालती है। और यहाँ पे बात करें बूट स्पेस की तो 311 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल ट्रंक ओपनर यहाँ पे दिया गया है। वहीं बात करें सीट की तो सीट यहाँ पे 5 सीटर सीट मिल जाती है आपको, एडजस्टेबल सीट मिलती है। रियर सीट आपको इसमें फोल्डेबल मिल जाती है, एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें पावर स्टेयरिंग आपको मिल जाता है, यहाँ पे एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है। मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है बेस मॉडल में, मिल रही है बेस मॉडल में इस i20 में। पावर इस विंडो मिल जाते हैं आपको, फ्रंट और रियर दोनों पावर विंडो मिल जाते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ये भी एक ज़्यादा फीचर्स के अंदर मिल रहा है बेस मॉडल के मुकाबले। एयर कंडीशनर मिल जाता है, हीटर मिल जाता है आपको, रियर एसी विंड्स मिल जाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। बेस मॉडल में ही आपको पेट्रोल में एसी विंड्स मिल रहे हैं रेयर में भी, तो ये एक अच्छा फीचर है बेस मॉडल में। वैनिटी मिरर मिल जाता है, कप होल्डर आपको सिर्फ फ्रंट में मिलता है। ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको इसके अंदर, ग्लव बॉक्स कूलिंग भी दी गई है बेस मॉडल में ही। बात करते हैं इसके MID की, तो MID की अगर बात करें टैकोमीटर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर मिल जाता है उसी में, लाइन चेंज इंडिकेटर भी दिया गया है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया गया है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट भी दी गई है, डिजिटल क्लॉक भी मिल जाता है, डिजिटल ऑडोमीटर के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे लाइटिंग की, तो लाइटिंग की यहाँ पे अगर बात करें तो एडजस्टेबल हेडलाइट्स दी गई है, LED DRLs दिए गए हैं, हेलोजन हेडलैम्प दिया गया है, हेलोजन दिया गया है, फॉग लाइट आपको उसमें फ्रंट में मिल जाती है प्रोजेक्टर के साथ, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें फॉग लाइट मिल रहा है बेस मॉडल के अंदर ही। पावर एंटीना मिल जाता है इसमें, फ्रंट क्रोम ग्रिल गार्निश मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें दिए गए हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग दी गई है, पावर डोर लॉक्स दिए गए हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है, एंटी डिफेक्ट अलार्म दिया गया है। एयरबैग की अगर बात करें तो 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक ड्राइवर एयरबैग और एक पैसेंजर एयरबैग यहाँ पे दिया गया है। डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है आपको, रियर सीट बेल्ट दी गई है, पीछे भी आपको सीट बेल्ट मिल जाती है पीछे की सीटों पे, EBD मिल जाता है, स्पीड अलर्ट दिया गया है, स्पीड सेंसर ऑटो डोर लॉक दिया गया है यहाँ पे। एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे रेडियो सिस्टम मिल जाता है, स्पीकर आपको फ्रंट और रियर दोनों मिल जाते हैं, कुल मिला के 4 स्पीकर्स में दिए गए हैं। फ्रंट में यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है, USB इनपुट दिया गया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके व्हील्स के बारे में, तो टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 15 इंच का टायर मिलता है आपको, और टायर टाइप की अगर बात करें तो ट्यूबलेस रीडल टायर दिया गया है यहाँ पे। कवर व्हील यहाँ कवर मिल जाते हैं आपको व्हील के लिए, फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। अब बात करते हैं i20 मैग्ना बेस मॉडल पेट्रोल की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसमें एक्सशोरूम डेली प्राइस जो दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया 6,79,900 यहाँ पे दिया गया है एक्सशोरूम डेली प्राइस। और एक्सशोरूम ऑन रोड की अगर बात करें तो एक्सशोरूम डेली ऑन रोड की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस यहाँ पे डेली दिया गया है 7,64,117 रुपीज़ यहाँ पे ऑन रोड डेली प्राइस दिया गया है।
तो इतने सारे फीचर्स के साथ मिल रही है बेस मॉडल में, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये थी ह्यूंडई की i20 नई वाली जो अभी अभी आई है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है, यहाँ पे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पहले के मुकाबले, तो लुक वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये गाड़ी। और बात करूँ मैं बेस वेरियंट की, तो बेस वेरियंट में यहाँ पे बेस वेरियंट पेट्रोल में काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, गुड डिज़ाइन की गई है। ओवरऑल जो उसका लुक है, आउटर लुक है, जो एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंटीरियर लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी माइलेज भी अच्छी खासी निकाल देती है। और इसका जो बेस मॉडल में हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, और कुछ ही चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें एक्स्ट्रा लगवानी पड़ती हैं अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। बाइक से अगर आप कार और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो कैसे लगे वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।